Greetings on World Mental Health Day. My name is Pallavi Baheti and I'm an artist, a writer and an aspiring curator. I think I've always been creative. My art journey started some 7-8 years ago when I used to sketch a lot in my sketchbook, but I never knew what more advantages it could have. But only when I was going through a personal problem, like a very big personal problem, and I didn't know what to do with it, I picked up a canvas and I started just adding strokes. I just drenched my soul on that canvas, and that is the moment I realized ki, what a great therapy it was. I could let everything out. I was no longer feeling bottled up, or my emotions didn't have a space, or they weren't acknowledged. Somehow that canvas was my safe space, and after that it has just been that every problem I faced, every time I feel ki this is too difficult, I know I can always turn back to something, some art, some form of creativity, and just let myself be. So I hope how art has helped me in my journey of being a creative practitioner, it helps you too, and wish you a great mental health and physical health. Thank you. रूप से हमारे मानसिक संवेगों को, हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। जो संगीत की परंपरा है, प्राचीन जितने भी रागें हैं, वो रागें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जैसे कि उदाहरण में बताऊँ कि यदि किसी को निद्रा नहीं आ रही हो, तो गुरु भी राग के आलाप यदि आप सुनेंगे तो आपको निद्रा नहीं आने की बीमारी आपकी ठीक होगी। ऐसे ही शास्त्रीय संगीत की बहुत सारी ऐसी रागें हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हम इन जनरल देखते हैं कि हम कहीं डिप्रेशन में हैं, या कहीं हम थकान है हमारे, या हम जीवन जो दिन भर की भागदौड़ है उसमें यदि हम कहीं पीड़ित हैं या कहीं थकान है, तो वो अच्छा या संगीत यदि हम सुनते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, अपने आप को हम तरोताजा महसूस करते हैं। तो सभी से मेरी अपील है श्रोताओं से कि अच्छा संगीत सुने, शास्त्रीय संगीत सुने, सुगम संगीत सुने, स्टैंडर्ड का म्यूजिक सुनना चाहिए, जो कि हमारे को सकारात्मक प्रभाव हमारे मानसिक पर डालता है। तो सभी को मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप संगीत से जुड़ें, संगीत को अपनाएं, संगीत को सीखें। शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजीव भट्ट। मेरा प्रोफेशन संगीत है, संगीतकार हूँ, रचनाकार हूँ और संगीत सिखाता भी हूँ। आज मेंटल हेल्थ डे है, उसके ऊपर मैं कुछ आपको बोलना चाहता था कि संगीत हमारे मेंटल हेल्थ पे किस तरह प्रभाव डालता है। क्योंकि संगीत का जो है क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे संगीत में चैन है, संगीत में अभिव्यक्ति है, संगीत में आनंद है, संगीत में प्रेरणा है, संगीत में भावना है, संगीत में भक्ति है, संगीत में शक्ति है और संगीत में लय है, संगीत में सुकून है। कंसंट्रेशन संगीत सुनने या संगीत सीखने से जो कंसंट्रेशन बनता है वो आप कहीं पे भी नहीं पा सकते, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जब बनता है तो उससे जो आपकी मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ता है, आपके जो मानसिक स्थिति होती है, क्योंकि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा तनाव है, वर्क प्रेशर इतना होता है लोगों पे, दिन रात काम करते रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी शांति की आवश्यकता होती है, थोड़े सुकून की आवश्यकता होती है, और वो उनको संगीत सुनने या सीखने या उसको उसकी परफॉर्मेंस करने से मिल पाता है। संगीत में जो है अभिव्यक्ति भी है। जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हम अगर संगीत से जुड़े रहते हैं तो हम अपने अभिव्यक्त अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति होता है तो वो संगीत सीखने से, संगीत को परफॉर्म करने से एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त संगीत में मेडिटेशन है, जो कि आपके मानसिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम संगीत सुनते हैं और संगीत में डूब जाते हैं या संगीत सीखते हैं, तो उसमें
और जगत की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, थोड़ी देर के लिए उनसे हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए एक मेडिटेशन हो जाता है, उससे कंसंट्रेशन से मेडिटेशन बनता है और उससे आपके दिमाग में चल रही जो स्थिति है वो थोड़ी शांत हो जाती है, तनाव है वो शांत हो जाता है। आजकल संगीत चिकित्सा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। कई जो हैं एपिलेप्सी के मरीज़, कई हिस्टीरिया के मरीज़, हाई बीपी के मरीज़ और डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं वो उनका संगीत से इलाज किया जा रहा है। और ये देखा है कि संगीत सुनने से, संगीत सीखने से हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं व्यक्ति में। जो हार्मोन्स आपके सीक्रेट होते हैं तो वो भी बहुत सारे चेंज होते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगीत से जुड़ें और अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी से कुछ देर के लिए राहत पाएं। नमस्कार। दिस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सिग्निफिकेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। Many a times in a day, various emotions that we feel have been ignored, suppressed, not better dealt with by us. In such cases, it's important that we move towards art, give our time to art, understand our emotions, pour them out on paper by using the colors, by using the paints, by using the sketch pens, or as simple a thing as doodling. When we write by using pen or pencil, it is a direct link with the possibility of how our mind is thinking. Our mind will not be clogged anymore. I would like to share that there are a lot of artists who are now organizing art therapy sessions as well. It is time that you take that initiative to join such art therapy sessions, to go out on a walk amidst nature, to go out, look at an art gallery, look at the museum, enjoy the art forms around you, because it is nothing but an array of emotions let out by the artist. What you see around you might have been felt by you as well at certain time. And I hope that with this little effort of yours, you will not only appreciate the artist around you, but will also be able to appreciate your own understanding of art and feel much appreciated and feel healthy and get the best of the mental health. Thank you.